मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम ने अचानक करवट बदली है, जिससे हवा में नमी और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने बताया कि अरब सागर की खाड़ी में दबाव के चलते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अचानक मौसम में बदलाव आ गया है, जिससे प्रदेश के अनेकों जिलों में बारिश और मौसम शुष्क बना हुआ है, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना और बढ़ चुकी है। कई जिलों के साथ कटनी जिले में भी बारिश और ठंडी हवा लगातार चल रही है, जिससे कि दिन और रात के तापमान में बदलाव हुआ है, ठंड बढ़ी है। इस बेमौसम बारिश से अरहर की फसलों पर आंशिक तौर पर असर पड़ सकता है, देखना होगा कितना असर पड़ेगा। मौसम के बदलाव का कारण है बंगाल अरब के अरब सागर और में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था, जो अभी वर्तमान में पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के सभी जिलों में छुटपुट बारिश हुई है। कटनी जिले में भी वर्षा रिकॉर्ड हुई है। अगले 5 दिन में जो बारिश की संभावना फिर से बनी हुई, क्योंकि एक नया सिस्टम फिर से डेवलप हो जाएगा 29 तारीख से, तो जो फिर से पुनः मध्य प्रदेश के सभी जिलों में बारिश करा के जाएगा। हमारे किसान भाइयों को इस समय जो मौसम में बदलाव हुआ है, इसके लिए उन सबको जागरूक हो जाना चाहिए कि जो मौसम में बदलाव हुआ है तो जो हमारी रबी की फसलें हैं उसमें तो उनको लाभ है। जितनी भी फसल बोई गई हैं वो सब लाभान्वित होंगी इस बारिश से। और जो खरीफ की फसलें हैं, खरीफ की फसलें लगभग करीब करीब 90% तक कटाई हो चुकी है, उसमें प्रमुखता हमारी धान है।